प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस। उसमें भी ये प्रावधान दिया गया है, तो ये बहुत खूबसूरत हमारे भारत का कानून है। आपके यहाँ शायद इस्लाम के हिसाब से आंखें निकाल दी जाती होंगी, जबान काट दिया जाता होगा, मुझे नहीं पता। अभी तक नहीं सुना मैंने ऐसा कुछ। पाकिस्तान इस्लामिक देश है ना हर्जू जी, तो वहां तो कर देना चाहिए था ऐसा। लेकिन शरिया नहीं है यहाँ पे, शरिया नाफिज नहीं है, ये जरूर है। जिन्ना का 1937 का शरिया लॉ हमारे भारत में सिर्फ चल रहा है, आपके यहाँ नहीं चल रहा है? नहीं नहीं हमारे ऐसा नाके निकाल देना, जबान काट देना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी। ओके नहीं, हमारे अभी तो कुछ देर पहले मौलाना साजिद रशीदी मुझे मेरे बाप से ही मतलब ये बहुत दूरी करवा दे रहे थे, मेरे पापा को भी गाली दे रहे थे और मुझे भी गालियां दे रहे थे मौलाना साजिद रशीदी। तो ये सारी चीजों के लिए कानून बहुत सख्त बनाए गए हैं। आपका दूसरा सवाल था कि सोशल मीडिया पर, जैसे आप भी वर्किंग लेडी हैं, ये एक अलग मैटर है कि यू आर अ जर्नलिस्ट, आप जर्नलिज्म का। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे दो कुशल महिलाओं को, जिनको ना सिर्फ भारत पाकिस्तान बल्कि पूरे विश्व भर में उनके काम के लिए सराहा जाता है। तो आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू काजमी जी को, जो कि इंटरव्यू लेंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया लाई खान जी का। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। हमें जी ज्वाइन किया है नाजिया लाई खान ने, सब नाजिया को जानते हैं, बहुत अच्छी लग रही है नाजिया आज। शुक्र है मैंने व्हाइट के अलावा नाजिया को किसी कलर में देखा है। थैंक यू सो मच कि आज आप आई है, आज अपनी यूनिफॉर्म में नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा पता है, जब भी लोग मुझे दूसरे कलर में आरजू जी देखते हैं ना, तो बोलते हैं थैंक गॉड। मैं उनको बोलती हूँ कि 300 दिन मैं व्हाइट शर्ट में होती हूँ और 65 दिन मेरा होता है जिसमें मैं इस ऐसे कलर्स में होती हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप, आज मैं अच्छी लग रही हूँ। नहीं आप मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी डिफरेंट कलर में देख रही हूँ तो और भी ज्यादा अच्छी लग रही है। थैंक्स अ लॉट। यू वेलकम। बिल्कुल। और नाजिया जी, हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा फीमेल्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इनको वर्क एनवायरनमेंट में हैरेस किया जाता है, बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, जिसमें सोशल मीडिया भी आ जाता है हमारा, कि अगर कोई बात हो, कोई खबर हो, तो वहाँ पे सोशल मीडिया पे बहुत से लोग ऐसे आ जाते हैं जो फेक आईडी के साथ होते हैं, वो बुरा भला कहते हैं। और उसके अलावा भी जो ऑफिस वगैरह में जाती हैं लेडीज, तो आपके ख्याल से कि किस किस्म के केसेस सामने आते हैं और क्या उनको करना चाहिए लेडीज को? वर्क एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव और बहुत ज्यादा सफोकेटिव बहुत जमाने से बनता आया है, बहुत जमाने से। मैं दिहाड़ी पर जो मजदूर काम करती हैं उनको भी ये फेस करना पड़ रहा था, जो बड़े ऑफिसेज में काम करती हैं उनको भी ये फेस करना पड़ रहा था, और हालिया में हम लोगों ने 2-3-4 साल पहले #MeToo भी देखा था कि बॉलीवुड में जितनी भी अदाकार आए हैं वो सब अपना अपना मुंह उठा करके आए हैं कि भाई उनके साथ भी ऐसी हरकतें हुई हैं, कास्टिंग काउच वगैरह हमने बहुत सुनी है ऐसी बातें। अब बात आती है कि औरत अगर स्ट्रिक्ट है, औरत अगर अपनी अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो इन चीजों का सामना तो करना पड़ता है लेकिन हैंडल करना भी आता है। मैं जरूर कहूंगी कि जो दिहाड़ी पर काम करती हैं मजदूरें, उनको भी उनके भी उनको पैसा देते वक्त शाम का हाथ को टच कर लेना, ये भी हैरेसमेंट है एट वर्क प्लेस, या वर्बल, नॉन वर्बल, इफ टीजिंग, टीजिंग करना, मेंटल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, एनवायरमेंटल हैरेसमेंट। कई बार ऐसा होता है कि सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन क्या होता है कि एनवायरमेंट को ऐसा कर दिया जाता है कि कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, अगर सामने टेबल पर कोई लड़की बैठी हुई है या अगर वो खड़ी है तो उसको गलत तरीके से छू करके चले जाना, या ये प्रेशर करना लड़की के ऊपर कि तुम मेरा ख्याल नहीं रख रही हो, जो बॉस का प्रेशर होता है, तो वो सारे जो डबल मीनिंग वाली बातें होती हैं वो समझ में आती हैं। या हम फ्रेंड सर्कल में भी बैठे होते हैं तो कुछ बहुत वल्गर तरीके की बात किसी महिला के सामने करना, ये सारी चीजें भी मतलब एक हैरेसमेंट ही आता है, जिसको हम पॉश एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड एट वर्क प्लेस लेते हैं, जिस पर प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिवर्सल एक्ट 2013 हमारे भारत में बना था। अच्छा, हर एक वर्किंग प्लेस में
हमारे यहाँ भारत में आईसीसी बना, इंटरनल कंप्लेन कमिटी बना, जिसमें महिलाएं ही उस कमिटी की मेंबर होती हैं, कंप्लेन लेटर से लेकर के हेयरिंग से लेकर के कन्फ्रंटेशन से लेकर के डिस्कशन से लेकर के आर्ग्यूमेंट से लेकर के दोनों पक्षों के स्टेटमेंट से लेकर के महिलाएं ही करती हैं, जिसमें दो अधिकारी जो है वो पुरुष भी डाले जाते हैं क्योंकि पुरुष की बात भी सुननी बहुत जरूरी होती है। अब मैं अवेसी जी की तो तरह बात नहीं बोल दूंगी कि वो पार्लियामेंट में बोले कि मर्दों का रेप होता है वो तो कुछ दिमागी अपंग अलग ही है बोला जी, मैं बोला उन्होंने ऐसा उन्होंने पार्लियामेंट में बोला है कि आपने नए कानून में औरत की सेफ्टी सिक्योरिटी की इतनी बातें कही हैं, इतना कुछ कर दिया है, मर्दों का भी रेप होता है। अब क्या फूक कर आया था मुझे पता नहीं है, पाकिस्तान का फूक के आया था कि पता नहीं कहाँ से मंगवाया था अवेसी, मुझे पता नहीं है। तो लेकिन दो ये आईसीसी इंटरनल कंप्लेन कमेटी जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिसर्स होते हैं या वर्किंग प्लेस होते हैं तो वहां पर ये इंटरनल कंप्लेन कमेटी आईसीसी बिल्कुल रखी जाती है, जहां पर सारे जो अधिकारी होते हैं वो महिलाएं होती हैं, पर दो पुरुष को जानबूझ करके रखा जाता है कि पुरुष के पार्ट की बात भी सुननी बहुत जरूरी होती है। हम जैसे रेप केसेस भी देखते हैं अर्जुन जी, तो हम स्टेटमेंट दोनों का होता है, एक्यूज जिसने रेप किया है उसका भी होता है, विक्टिम जिसका रेप हुआ है उसका भी होता है। हैरेसमेंट में भी वैसे ही, अब चाहे वो फिजिकल हैरेसमेंट हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, वर्बल हैरेसमेंट हो, नॉन वर्बल हैरेसमेंट हो, ईव टीजिंग हैरेसमेंट हो, या टच हैरेसमेंट हो, या मेंटल हैरेसमेंट हो, ये सारी चीजों में दोनों लोगों के पक्षों की बात को सुनना, हमारे कानून में भी इस प्रावधान को दिया गया है, और जो मीडिएशन बैठता है, कन्फ्रंटेशन बैठता है, उसमें भी यह प्रावधान दिया गया है। तो ये बहुत खूबसूरत हमारे भारत का कानून है। आपके यहाँ शायद इस्लाम के हिसाब से आंखें निकाल दी जाती होंगी, जबान काट दिया जाता होगा, मुझे नहीं पता नहीं होता अभी तक नहीं सुना मैंने ऐसा कुछ। पाकिस्तान इस्लामिक देश है ना अर्जु जी, तो वहां तो कर देना चाहिए था ऐसा, लेकिन शरिया नहीं है यहाँ पे, शरिया नाफिज नहीं है, ये जरूर है। जिन्ना का 1937 का शरिया लॉ हमारे भारत में सिर्फ चल रहा है, आपके यहाँ नहीं चल रहा है? नहीं नहीं हमारे ऐसा नाके निकाल देना, जबान काट देना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा अभी। ओके नहीं हमारे अभी तो कुछ देर पहले मौलाना साजिद रशीदी मुझे मेरे बाप से ही मतलब ये बहुत दूरी करवा दे रहे थे, मेरे पापा को भी गाली दे रहे थे और मुझे भी गालियां दे रहे थे मौलाना साजिद रशीदी। तो ये सारी चीजों के लिए कानून बहुत सख्त बनाए गए हैं। आपका दूसरा सवाल था कि सोशल मीडिया पर, जैसे आप भी वर्किंग लेडी हैं, ये एक अलग मैटर है कि यू आर अ जर्नलिस्ट, आप जर्नलिज्म का काम करती हैं, या मैं आपके साथ बैठ करके अभी कन्फ्रंटेशन कर रही हूँ, आपने मुझे एज अ गेस्ट बुलाया है एंड यू आर दी होस्ट, लेकिन ऐसे सिचुएशन पर भी अगर मुझे कोई मलाइंग करता है या आपको कोई मलाइंग करता है तो साइबर क्राइम सेल हमारे यहाँ है, जहां पर बहुत खूबसूरत तरीके से आप सिर्फ एक मेल करेंगी, जो भी भारतीय नारियां हैं या जो भी ऐसे जिसको भी सोशल साइट पर अगर मलाइंग किया जा रहा है या इंसल्ट किया जा रहा है या उनके व्यक्तिगत मामले को उठाया जा रहा है या टिप्पणियां की जा रही हैं, जो डेफेमेशन में आता है, डेफेमेटरी होता है, मलाइंग होता है, इंसल्टेड होता है, तो उसमें जस्ट आप मेल के थ्रू साइबर क्राइम सेल में, जो आपका स्टेट का होगा या जो आपका डिस्ट्रिक्ट का होगा, वहां पर आप मेल कीजिएगा, वहां से एफआईआर की कॉपी आ जाएगी, नेक्स्ट डे या तो लेडीज पुलिस आकर के आपका स्टेटमेंट ले लेगी और या तो फिर आपको जाकर के इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप वहां जाकर के भी अपने स्टेटमेंट को दे सकती हैं। अब इसमें मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता देती हूँ कि वो और थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे 2019 में आई वॉज वेरी लाउड, एक मुस्लिम लड़की होने के बावजूद भी मैं सबसे ज्यादा लाउड थी भारत में मोदी जी के प्रचार में। इन 2019, 20 एंड 21 मैं इतनी लाउड थी कि पीपल लव टू लिसन मी, पीपल लव टू सी मी, कि वो जो बोल रही हैं वो कुरान की आयतें भी बोलती हैं, वो हदीस के बारे में भी बताती हैं, वो कानून के बारे में भी बताती हैं, वो शरिया के बारे में भी बताती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बताती हैं, तो हम उनको सुनेंगे। तो मेरे ऊपर मेरा एक क्लास 12 का वीडियो था, एक रेड कलर के फ्रॉक में मैं डांस कर रही थी अपनी अब मेरी खुद की बर्थडे पार्टी में मेरे घर में, तो बहुत सारी फ्रेंड्स आई हुई थी, तो उनमें से किसी एक ने वो वीडियो बना करके रखा था और उस वक्त मैं क्लास 12 में थी और उसको उन्होंने वायरल किया है कि शायद मेरी पब्लिसिटी अच्छी हो रही है, शायद मैं बहुत रिनाउंड हो रही हूँ, तो उस जेलेसी में उसको सोशल मीडिया के थ्रू वायरल करवाया गया है 2020। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह
आरजू काजमी जी के सवाल और नाजिया अली खान जी के जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि नाजिया खान जी अपने दमदार अंदाज और अपनी बुलंद आवाज के लिए जानी जाती हैं, और इस वीडियो में भी आपने देखा उन्होंने बात की कास्टिंग काउच की, मीटू मूवमेंट की और जो महिलाओं के साथ शोषण होता है उस पर वो खुल के बोली। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।